गाइस गुड मॉर्निंग सत्यकाल। एक्चुअली कल हम लोग वापस आ गए थे दार्जिलिंग क्योंकि बाहर बहुत ठंडा था और उसमें जो होम स्टे था उसमें उसका अरेंजमेंट ठीक था, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या था कि शाम को 5 बजे के बाद जो है मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाता था, इसलिए हमने उसको क्या किया कि हमने वीडियो एडिट भी नहीं कर पाया, तो एक्चुअली इसीलिए हमने लोड भी नहीं कर पाया, तो इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो हम क्या किए कि वहाँ से फिर दार्जिलिंग अपना जो सेकेंड हाउस है वहाँ पे हम लोग चला है होटल गीतांजलि, वहाँ पे आ गए। तो आके फिर हम लोग आज हम लोग का वापसी जाना है कलकत्ता, तो वी आर रेडी फॉर दैट, वी आर गेटिंग रेडी, हम लोग अभी खाना खाएंगे, तो खाना भी हम लोग आ गया है, गरम गरम सब आ गया है। तो सो खाना खाने के बाद हम लोग फिर निकलने का प्रोग्राम करते हैं, और ऐसा ही प्रोग्राम आगे रोड में जो भी मिलेगा हम लोग आपको दिखाएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, आप लोगों का जो है ये जो इंथ्यू आप देते हैं जो देखते हैं इसके लिए झेलते हैं हम लोग, इसलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर हम लोग ये ट्रिप कल सुबह तक हम लोग कलकत्ता पहुँच जाएंगे, कल के हम लोग फिर 15-20 दिन बाद फिर कहीं निकलेंगे दूसरे जगह पे, डिस्कशन में आएगा हम बोलेंगे कहाँ जाएंगे। तो स्टिल नाउ जो खाना आया है देख लीजिए, सुंदर सा खाना आया, भात दाल सब्जी जो आया है, अंडा करी आया है, फिर साथ में पापड़ भी आया है, अचार भी आया है। सो प्लीज़ वेट, खाना खा लेते हैं, इसको सजा देते हैं, फिर रेडी होके फिर निकल के आपसे बात करते हैं। ए फ्यू मिनट्स लेटर, जस्ट वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, हम लोगों ने दार्जिलिंग से फिर से चालू किया, लेके प्रभु का नाम हर हर महादेव जय माँ तारा बोल के जर्नी चालू की है। यहाँ से सीधा देरी, बहुत देरी हो गया, अभी 2:20-30 हो गया है, यहाँ से मतलब 2:30 बज गया है। यहाँ से हम लोगों को जाना है NJP में जाके गाड़ी रखना है, गाड़ी रख के फिर सामान कुछ लेना है, कुछ रखना है, ये करके फिर हम लोगों को निकलना होगा। उसमें भी घंटा डेढ़ घंटा लगेगा, 8 बजे का दार्जिलिंग में है, तो होप फॉर द बेस्ट, चलते हैं। जाने में, नीचे जाने में भी अगर जाम नहीं रहता तब भी 3.5 घंटा लग जाएगा, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। मेन रोड के आगे वो जा रहे हैं, घूम की तरफ जा रहे हैं, इस राइट साइड में ये घूम स्टेशन है, ये बहुत ही पुराना हिलडेज वाला आपका स्टेशन है, वहाँ पर एक एक दिन दिखा रहे हैं, हल्का सा देख लीजिए, यहीं से हम लोग बार बार डेली आवाजाही कर रहे हैं, यहाँ से डेली हम लोग जा रहे थे, राइट साइड मिरिक का रोड चला गया और इधर चला गया आपका काशियांग का रूट, काशियांग होके भी एक रूट है, एक मिरिक होके भी रूट है जो NJP तक है। तो एज टाइम इज कम है, टाइम हम लोग बहुत कम है, सो वी टू प्रेफर फॉर दिस काशियांग रूट, इसमें 3 घंटा 15 मिनट हम पहुँच सकते हैं, लेकिन उसमें से जाने से 4 घंटा लग जाएगा, किलोमीटर भी मोटा मोटी 15-20 किलोमीटर ज़्यादा है, तो आप लोग सोचते हो कि 10-15 किलोमीटर में इतना समय कैसे लगता है, 1 घंटा ज़्यादा लग गया। एक्चुअली पहाड़ में क्या होता है कि आपका स्पीड लिमिट होता है यही 20-22, आप देख रहे गाड़ी में ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 30 मैक्सिमम 40 तो नहीं जाता है, हम लोग ट्रेन में जैसे चलाते हैं 70-80 में, पहाड़ में वैसा नहीं होता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे 20 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग, उसके बाद आएगा सोनाडा, ये भी एक बाएं तरफ एक रास्ता देखिए, बाएं तरफ नीचे आया हुआ है, गाड़ी आ रही है। एक्चुअली ये रूट जो है, ये रूट भी एक्चुअली दार्जिलिंग से बड़ा गाड़ी आने के लिए, मतलब ये कमर्शियल गाड़ी आने के लिए यही रूट है, हम लोग का छोटा गाड़ी है इसलिए हम लोग अंदर से मेन रोड से हम लोग आ गए, ये गाड़ी को आने नहीं देगा, बड़ा भाड़ा वाला गाड़ी को आने नहीं देगा, जाने देगा लेकिन आने दूसरे रूट से आना होगा। ऊपर देखिए फॉग कैसा है, एक डिसेंसी है अपने में, ये देखिए ऊपर देखिए, ही ऑल्सो आर ब्यूटी ऑफ ए नेचर,
that will not enjoy the city life. आप देख सकते हैं इसको, अब देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फिर साफा हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर लाइक दैट। देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए इसका ही, देखिए देखिए वीडियो में दिखाने से तो दार्जिलिंग विजिट आप लोगों का हुआ नहीं, नॉट पॉसिबल। तो आप लोग जब भी समय मिले तो आप आ जाइएगा दार्जिलिंग में। का खेला है, किसी में हम लोगों का जिंदगी का मेला है, सही मतलब कहीं धूप कहीं छाव कहीं बादल, हर जगह पे एक एक सीन दिखाई पड़ता है, मौसम मौसम। शायद मैं ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बोलते ही जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली अगर इसमें डूब जाने की इच्छा करता नहीं लगता है कि फिर कलकत्ता जाए और फिर काम करे, फिर नॉर्मल ओनली 10 to 6 या 10 to 8 यही बीती हो, इच्छा नहीं करता है, लगता है कि यही पहाड़ में रह जाए जब तक ना मन भरे। तो हमको नहीं लगता मन भरेगा, क्योंकि 3 दिन मैंने कम से कम 4 बार दार्जिलिंग ट्रिप कर चुका, कम से कम 4 बार ट्रिप कर चुका हूँ, आई एम बिलिंग इट टू। फिर भी जितने बार आता हूँ उसके बाद मेरे को लगता है कि समथिंग डिफरेंट इज देयर, कुछ अलग है सही। और कल तो कोई मेरे को बोलेगा कि दादा आप चलो मेरे साथ, तो आई एम रेडी टू गो, समझते ऊपर देखिए, आई डोंट नो व्हेदर यू आर गेटिंग द व्यू और नॉट, पर मैंने तो फोटो में इसको लगाया, तो व्हेदर यू आर गेटिंग नॉट आई एम नॉट श्योर द अबाउट दैट, बट यू आर गेटिंग द पिक्चर इन 4K, दैट इज आई एम श्योर यू आर गेटिंग द पिक्चर इन 4K, नॉट द नॉर्मल। एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 4K और 2.7 के द सिस्टम गोइंग टू हैंग, तो हो जाता है, चलिए वो भी सही है, कुछ अच्छे के लिए कुछ करना पड़ता है, बस अच्छा ही है तो कुछ चेष्टा करें, दैट्स इन द गेम, नो इशू। माय फैमिली एंड एंटायर मेंबर्स आर आल्सो हेल्पिंग मी आउट ऑफ दिस, सब लोग मेरे साथ है डेवलप दिस चैनल, प्लीज स्टे ट्यून्ड, आप लोग रहिएगा, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, कहीं कुछ गलत होगा तो प्लीज बोलिएगा।
और कोई रोमांटिक सॉन्ग का अगर सिचुएशन होगा तो अगर कोई प्रिपरेशन होता है फिल्म का शूटिंग होता है तो आई थिंक इज अ बेटर प्लेस पहुंच गया अभी काशंग के एक जगह पे जहाँ पे वहाँ पे इन लोगों का जो है हर जगह पे यहाँ मिरिक बोलिए दार्जिलिंग बोलिए मिरिक कालिम्पोंग काशंग हर जगह पे अपना लोगो होता है तो लोगों मतलब आई लव काशंग आई लव कालिम्पोंग आई लव दार्जिलिंग बोल के ऐसा होता है तो यू कैन सी दैट ऑल्सो।